प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं और 10 दिन की अवधि में अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दूसरा दौरा है। करीब 2.5 घंटे के काशी दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिंडरा में करखिया गांव में अमूल प्लांट का आधारशिला रखा है, तो वहीं इसके साथ ही 2100 करोड़ रुपये की 27 परियोजनाओं को अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को समर्पित कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो वाराणसी में पिंडरा क्षेत्र को प्रणाम करते हैं और जौनपुर के लोगों को भी प्रणाम करते हैं। ये उन्होंने जो भाषा है, अवधि भाषा जिसे कहा जाता है, उस भाषा में उन्होंने कहा है। और आज ये क्षेत्र एक बार फिर से पूरे प्रदेश के किसानों के लिए बहुत बड़ा आयोजन का साक्षी बना है। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती है, उनकी स्मृति में देश किसान दिवस मना रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने बटन दबाकर बनास दूध प्लांट से लेकर तमाम विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। तो अगर बात की जाए तो 10 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार काशी में हैं और इससे पहले 13 दिसंबर को उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भव्य और दिव्य लोकार्पण किया था और उसके बाद आज फिर से और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सर्वेश्वर पाठक राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। सर्वेश्वर पाठक जी, आवाज आ रही है क्या आप तक? मैंने कहा धन्यवाद प्रिय भरत जी। जी, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं और आज फिर उन्होंने सौगातों की झड़ी लगा दी है, क्या कुछ कहना है आपका इसको लेकर? भाई, यूपी की जनता को शुक्र मनाना चाहिए कि यूपी में किसकी सरकार है। जो अगर देखा जाए डेवलपमेंट तो सही मायने में तो यूपी में ही हो रहा है। ऑल ओवर इंडिया में केंद्र सरकार द्वारा डेवलपमेंट के कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा सौगातों की झड़ी लगा दी, वही सौगातों की झड़ी यूपी की जनता के लिए लग रही है। कल 1000 करोड़ ओवन सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया गया और आपने हमने सभी ने देखा था तो कैसे उन औरतों से हमारे प्रधानमंत्री जी मिलके बातें कर रहे थे, उन औरतों का कितना बड़ा मनोबल बढ़ा होगा। और आज जो ये 2095 करोड़ का जो प्रोजेक्ट समर्पित कर रहे हैं, यह भी यूपी की जनता के लिए बहुत ही बड़ा, मतलब आप कहिए कि इतने अगर पैसे का प्रोजेक्ट है, 27 प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो इसमें कौन लाभान्वित होगा? वहाँ की लोकल जनता, अब बनास डेयरी संकुल का निर्माण हो रहा है तो वहाँ पे कौन उसमें मजदूर के काम करेंगे? जो यूपी के मजदूर अगर बाहर जाते हैं, बिहार के मजदूर या यूपी कह लीजिए, तो उनको वहीं पे स्वतः रोजगार मिल जाएगा तो वो उसी से यूपी की ही जनता लाभान्वित होगी। तो यह बहुत ही अच्छी सौगात है यूपी की जनता के लिए। विकास के पथ पर जो मोदी सरकार अग्रसर है, साथ ही साथ योगी सरकार उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं और नित्य नए शिलान्यास, नित्य नए प्रोजेक्ट का जो अनाउंसमेंट हो रहा है, यह यूपी के लिए बहुत ही, मतलब कह दीजिए, एक सुनहरा अवसर आ गया है। तो कहीं ना कहीं देखा ये भी जा रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, कभी जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भव्यता है, दिव्यता है, उसको बढ़ावा दे रहे हैं और अब रोजगार के स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए एक बार फिर से ये आज 2100 करोड़ की परियोजनाएं हैं, इनका शिलान्यास किया गया है, क्या कुछ फायदा होगा यूपी की जनता को इसको लेकर? देखिए प्रियव्रत जी, आपने खुद कहा 2100 करोड़ की जो ये प्रोजेक्ट है जिसमें क्या है, बनास डेयरी। अब डेयरी से कौन लाभान्वित होगा? जो गांव घरों के जो हमारे किसान भाई है जो दूध का उत्पादन करते हैं, अगर जैसे अमूल का हमने देखा गुजरात में कितना बड़ा नेटवर्क हो गया, वहां के गांव की महिलाओं से लेके कितना बड़ा सो हेल्प ग्रुप बना, उनका कोऑपरेटिव चला के आज अमूल कितनी बड़ी कंपनी है और कितने लोगों को रोजगार मिला,
जाएगा। उसी तरह अगर यूपी में ये बनास डेयरी अपने फुल फ्लेज प्रोडक्शन में आ जाएगी तो आप बस इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि कितने किसान भाई और साथ ही साथ जो गांव की महिलाएं भी होती हैं वो भी गाय और भैंस पालती हैं, उनका दूध निकालती हैं, तो वो वहां पे दे पाएंगी जिससे कि उनकी आय और आमदनी बढ़ेगी। साथ ही साथ देखिए कि उन्होंने डिजिटली ट्रांसफर किया 35,000 करोड़ का बोनस, जो 1,70,000 मिल्क प्रोड्यूसर एसोसिएट जो बनास डेयरी से हैं उनके अकाउंट में गया है। उसी तरह बायोगैस बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट जो मिल्क प्रोड्यूसर वाले कोऑपरेटिव है उनके लिए रामनगर में भी हो रहा है। तो ये सब किसके लिए किया जा रहा है? जो नॉर्मल यूपी की जनता है उसके लिए ये सारी सौगातें दी जा रही है, उसके लिए ये सारे मतलब प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। तो एंड ऑफ द डे आज नहीं तो कल, मान लीजिए आज अगर शिलान्यास किया जा रहा है और बीजेपी की सरकार सेंटर में है अभी 3 साल और आने वाले चुनाव में यूपी में भी चुन के आएगी, तो अगले 2 से 3 साल मैं कहता हूं ये सारे के सारे प्रोजेक्ट कार्यान्वित हो जाएंगे और जो जो अभी से काम करेंगे लोग और उसके बाद जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे तो आप कल्पना करिए कि कितने लोग उससे लाभान्वित होंगे, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसकी जितनी योग्यता होगी उसी के अकॉर्डिंग रोजगार उसमें उत्पन्न होंगे और लोग रोजगार पाएंगे। तो यूपी में यूपी की जनता के लिए रोजगार मतलब करने का यह बहुत ही सुनहरा अवसर है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब केंद्र में सत्ता संभाली थी तब उन्होंने एक मॉडल दिया था जिसका नाम दिया गया था गुजरात मॉडल, क्योंकि वो एक लंबे समय से गुजरात में मुख्यमंत्री के पद पर रहे, तो उन्होंने एक मॉडल दिया था गुजरात मॉडल, और उसी गुजरात मॉडल को अब यूपी में बढ़ाया जा रहा है। तो क्या इस गुजरात मॉडल से यूपी मॉडल जो अभी 3 महीने बाद होने वाला है उसको भी साधने की कोशिश की जा रही है क्या? कोई दो राय नहीं। देखिए यूपी का जो मॉडल था, अगर गुजरात बेस्ट मॉडल कहें, चाहे एक गुजरात मॉडल को एक मतलब उदाहरण के तौर पे पेश किया जाता है और इसमें कोई शंका नहीं होगी कि अभी यूपी में बीजेपी का चौथा टर्म चल रहा है और कितने अच्छे तरीके से वहां पे हो रहा है। आप विकास के कार्य देखिए, वहां के रोड देखिए, वहां का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दीजिए, चाहे जो भी गवर्नमेंट हो, थोड़ा बहुत लोगों को शिकायत तो होती रहती है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जो 5 सालों में यूपी में काम हुआ आप उसकी तुलना करके पिछले गवर्नमेंट सबको देख ले, जो भी गवर्नमेंट क्षत्रिय पार्टी की गवर्नमेंट आई उन्होंने अपना बैंक भरने का काम किया, जो गरीब जो निम्न स्तर के लोग थे उनके लिए काम अगर किया भी तो वो नाम मात्र काम था। मायावती एक दलित की बेटी कह के आई, 5,000 करोड़ की अकूत संपत्ति जमा कर ली, कैसे भैया? एग्रीकल्चरल इनकम है। 5 साल अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर रहे, 1,000 करोड़ से ऊपर की अकूत संपत्ति जमा कर ली, कैसे भैया? आप हम प्रियव्रत जी जॉब करते हैं, ये करते हैं, हमारी इतनी संपत्ति तो होती नहीं है। मेरा बैकग्राउंड तो कृषि भी है, फिर भी मेरी इतनी संपत्ति नहीं है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, हम आप यूपी से हो, मैं बिहार से हूँ, हमारे परदादा जी भी यूपी से थे, तो उसी यूपी की दूसरी जो जनता आम जनता है दिन रात मेहनत करती है उनकी तो इतनी संपत्ति आती नहीं है। बिल्कुल। तो जो आम पब्लिक आम जनता के लिए जो अगर विकास का काम हो रहा है तो इसमें दो राय नहीं कहने की, अगर गुजरात मॉडल को यूपी में प्रयोग किया जा रहा है तो ये बहुत ही अच्छा कदम, बहुत ही सराहनीय कदम, और इसका जो लाभ मिलेगा अंतोगत्वा किसको मिलेगा? यूपी की जनता को मिलेगा, नहीं बीजेपी को भी कहीं ना कहीं मिलने को मिलेगा, बीजेपी को भी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से सवाल कर रहा था बीजेपी से, क्योंकि 13 तारीख को जिस तरीके से भव्यता और दिव्यता के साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया गया था और आज फिर से ये 2100 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है और लोकार्पण किया गया है, तो आज एक बार फिर से काशी को लेकर बीजेपी निशाने पर है विपक्ष के। पाठक जी देखिए, प्रियव्रत जी, काशी पे सवाल उठाना, जो काशी हमारी मान मर्यादा संस्कृति का प्रतीक है उससे कौन सवाल कर रहे हैं? जो बाबर के बच्चे हैं, जो औरंगजेब के बच्चे हैं वही सवाल उठा रहे हैं।
अरे हमारा जो काशी गौरव था, प्राचीन संस्कृति से काशी गौरव है, उसका अगर बाबा भोलेनाथ के मंदिर का मतलब पूर्ण निर्माण किया गया तो आप उस पे उंगली उठाओगे? आप खुद इमेजिन करो, अगर ये काशी कॉरिडोर बना है तो उसमें कितने मजदूर लोग, कितने लोगों को काम मिला होगा? हर एक लेवल के लोगों को काम मिला होगा कि नहीं? इंजीनियर को काम मिला होगा, मजदूर को काम मिला होगा, ठेकेदार को काम मिला होगा, तो वो कहाँ के होंगे? या तो यूपी के भी होंगे और बाहर के लोग भी आके काम किए होंगे, तो ये रोजगार हुआ कि नहीं हुआ? रोजगार देने का मतलब यही नहीं होता, रोजगार भी हुआ, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा देने का जिस तरीके से यूपी सरकार काम कर रही है, सच में सराहनीय कदम है। और आज फिर से 2100 करोड़ की योजनाओं को काशी वासियों के लिए समर्पित कर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये काशी के लिए कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि लगातार 10 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दूसरा दौरा है। जी शुक्रिया सर्वेश्वर पाठक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।